जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ और आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ मकर संक्रांति के महान पर्व के विषय में। क्या महत्व है हमारे जीवन में मकर संक्रांति का, मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है और मकर संक्रांति के दिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे कष्टों का निवारण हो और हमारे पुण्यों की वृद्धि हो। तो आज मैं इस विषय पर आपसे बात करूंगा, जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात कि मकर संक्रांति के आते ही हमारे पूरे वर्ष का एक दूसरा पक्ष शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ठीक 6 महीने पहले तक सूर्य भगवान दक्षिणायन में होते हैं, मतलब अंधकार का समय। इस पूरे पीरियड में स्वर्ग के दरवाजे बंद होते हैं, ऐसा बुज़ुर्गों का कहना है। अर्थात ये समय थोड़ा सा अंधेरे का होता है, लेकिन जैसे ही भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं वैसे ही वे उत्तरायण हो जाते हैं, अर्थात देवकाल, जिसे देवकाल कहा जाता है, पुण्यों का काल कहा जाता है, साधनाओं का काल कहा जाता है, इसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर राशि के स्वामी भगवान शनि हैं, तो मकर राशि वाले भी अगर मकर संक्रांति के नियमों का पालन करेंगे तो भगवान शनि देव साल भर तक उन्हें बिल्कुल आनंददायक स्थिति में रखेंगे। तो चलिए ये पहले जानें कि ये जो मकर संक्रांति है इसका महत्व किस दृष्टि में है। तो मित्रों, चूंकि देवकाल का ये प्रथम दिन होता है मकर संक्रांति, इस दिन जप, ध्यान और दान का बड़ा फल होता है। मकर संक्रांति के दिन हमारी चेतना ऊपर की तरफ उठी होती है। मकर संक्रांति के दिन से लेकर अगले 6 माह तक, यानी कि गुरु पूर्णिमा तक, ये समय साधना के लिए बड़ा श्रेष्ठ होता है। यदि मकर संक्रांति के दिन अगर आप स्नान करके भगवान सूर्य को काले तिल मिश्रित जल दे दें और आदित्य हृदय का स्त्रोत का पाठ कर लें, तो फिर पूछना ही क्या। भगवान सूर्य से मकर संक्रांति के दिन आपको ऐसा वरदान मिलेगा जो साल भर आपको आरोग्य रखेगा, शत्रुओं से पराजित होने से बचाएगा और आपकी हर प्रकार से रक्षा होगी। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाना और तिल और गुड़ का दान करना महान पुण्यदायी है। तिल, गुड़, अनाज और कंबल, ये वस्तुएं दान दी जाती हैं। तिल का दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। गुड़ का दान देने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और आरोग्यता मिलती है। और अनाज का दान देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर कंबल का दान दे दिया इस मकर संक्रांति के दिन, तो पूरे वर्ष भर शनि और राहु महाराज की निगेटिविटी आपको परेशान नहीं करने वाली है, ये बिल्कुल पक्की बात है मित्रों। अब इस दिन मंत्र जप करने का बहुत सारा पुण्य होता है, तो आप लोग, चूंकि ये जो पुण्य काल है दोपहर के 2 बजे प्रारंभ हो रहा है और शाम के 6:30 बजे तक रहेगा, तो इस पुण्य काल में आप लोग दान करें और जप करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना जप करें, क्योंकि इस दिन जप करने का फल लाखों गुना होता है। अब हम बाकी दिनों तो इतना समय निकाल नहीं पाते कि ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, 50, 100 माला, 200 माला, तो ऐसे अवसरों पर बैठ करके समय निकाल कर दुनियादारी से समय निकाल करके बैठ कर थोड़ा जप कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक अध्यात्म को नहीं साधेंगे तब तक भौतिक जीवन नहीं सधेगा, पक्की बात है। हमेशा पंगु बनकर रहेंगे आप, इसीलिए पहले अपने आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत कीजिए और इस मकर संक्रांति को बड़े आनंद और उल्लास से मनाइए। मकर संक्रांति केवल दुनियादारी के बीच में जा करके हंसी खुशी से ये पर्व मनाने का अवसर नहीं है। मकर संक्रांति का अवसर अपने अध्यात्म को मजबूत करने का अवसर है। इस दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें और भगवान सूर्य को काला तिल मिश्रित जल जरूर दें, ठीक है, और उन्हें एक तिल के तेल का दीपक जरूर दिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।